हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेल की मिठाई बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप घर में बना सकते हो। अब बेल सबको पता है कि हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, तो हमको बेल ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसको किसी प्रकार से बना के खा सकते हैं, तो देखिए हम ऐसे आज इसको बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 3 बेल लिया है। अब इसको फर्श में हम ऐसे हाथ से थपथपाएंगे, तो देखिए टूट गया, बड़े आसानी से टूट जाता है। तो अब इसको हम ऐसे पूरा बेल को निकाल लेंगे और इसका गूजा। अब देखिए यहाँ पर हमने शक्कर ले लिया है, इसका हम मिक्सी में ही पीस के भूरा बना लेंगे और इसको भी हम इसी में डालेंगे मिठाई बनाते समय। तो देखिए हमारा शक्कर पीस गया है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं और चलते हैं, हम गैस जलाते हैं, इसमें तेल रखते हैं। देखिए हमने गैस जला के तेल डाल दिया है, तेल हमारा गरम हो रहा है, अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसको हम ज़रूर डालेंगे। और इसमें हम इसको डुला देंगे अच्छे से, देखिए चटक रहा है, अब ये काफ़ी पक गया है। अब इसमें जब हम बेल का गुजा निकाले हैं, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इसको मैंने अच्छे से इसका बीज निकाल दिया है, अब अच्छा साफ कर लिया है। अब इसको हम इसी में पका लेंगे तेल में ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हमने मसाला लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, काला नमक, सादा नमक और थोड़ा सा भुंजा जीरा। अब इसको भी हम इसी में बना देंगे ताकि खट्टी मीठी गोली बने हमारी अच्छे से। तो अब इसको हम ऐसे करछुल की मदद से डुलाएंगे ताकि पूरा मसाला अच्छे से मिल जाए इसमें। काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे, जितना इसमें बेल का गुजा था उतने ही हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं, ताकि ये मीठा रहेगा तभी अच्छा लगता है, नहीं इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा टाइप का होता है, इसीलिए हम इसको मीठा करके खा पाते हैं। तो इसको हमको ज़्यादा नहीं खाना है, बस 1 मिठाई खा लेना है, वो दवाई का काम करेगा, और ज़्यादा नहीं खाना है, इतने से ही हमारा शरीर सही रहेगा। तो हमको थोड़ा ही इसको लेना है। तो देखिए हमने इसको अच्छे से डुला के पका दिया है, अब हमारा अच्छा बढ़िया गाढ़ा हो गया है। अब इसकी हम मिठाई बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हाथ में इसको थोड़ा सा ले लिया है और पीसी शक्कर इसी में थोड़ा सा डाल देंगे, भुरका देंगे ऊपर से और हाथ में लगा लेंगे, ताकि हमारी ये गोली हाथ में नहीं चिपके। तो हमको इसे शेप देना है गोल टाइप में, आपका जैसे शेप पसंद हो आप उसी तरह दे सकते हो, ये अपने पसंद के अनुसार है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। तो देखिए हम ऐसे हाथ में लेके थोड़ा सा पीसी शक्कर लेके और ऐसे इसको पूरा तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा पूरा तैयार हो गया है, आप भी इसको बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही फायदेमंद है। और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार, फैमिली, दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।